शंकर रवानी हत्याकांड में बोकारो पुलिस को एक और सफलता मिली है। कांड में संलिप्त अपराधी वीरेंद्र प्रसाद उर्फ वीरेंद्र प्रसाद यादव को बोकारो पुलिस ने बिहार के होटल शिमला भगवान बाजार छपरा से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर भारत एकता कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार व गोली बरामद किया गया है। मंगलवार को SP पूज्य प्रकाश ने SP कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। पिछले माह एसपॉन्ट के बच्चों के लिए शंकर वानी की हत्या की गई थी। इस संबंध में हरला थाना 78-24 कांड अंकित किया गया था। इस कांड में वांछित अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी एवं उसकी निशानदेही पर आज बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो बरामदगी हुई है उसमें AK-47, उसके दो मैगजीन, एक कार्बाइन, उसके दो मैगजीन, साथ में चेक रिपब्लिक मेड एक 9mm का पिस्टल, एक इटली मेड 9mm का पिस्टल, एक रेगुलर जो पुलिस इस्तेमाल करती है 9mm का पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक कंट्रीमेड पिस्टल, साथ साथ में बड़े पैमाने पर सभी हथियारों का कारतूस की बरामदगी हुई है। साथ साथ में शंकर रवानी की हत्या में प्रयुक्त डिजायर गाड़ी की भी बरामदगी हुई है तथा जिन स्थानों से इन सारी की बरामदगी हुई है वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब रखा गया था, उसको भी विधिवत बरामदगी करते हुए जब्त किया गया है। जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है इसमें लगा ये तथ्य हैं कि हथियार एक सुनियोजित साजिश के तहत एक ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए लाया गया था। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है ये सारे हथियार बाहर से पिछले साल नवंबर में लाकर बोकारो जिले में रखा गया था और इससे बड़े बड़े घटना कारित कर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसका यूज़ किया गया था शंकर वानी के हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे उसकी बरामदगी हुई है। साथ साथ में इन हथियारों का हम लोग बैलिस्टिक जाँच भी कराएंगे और एविडेंस के रूप में इसको इस्तेमाल करते हुए और हम लोग इसमें जो भी शामिल लोग हैं उनको कन्विक्ट कराने का प्रयास करेंगे। बोकारो में ही क्या है पूरा जो गिरफ्तार हुए व्यक्ति इनका एक आपराधिक इतिहास है। विशेषकर जो इस साजिश को जो मेन कड़ी थे अशोक सम्राट उसके समधे का ड्राइवर है और इनके जो समधी हैं संजय सिंह वो भी इस कांड में वांछित अभियुक्त हैं। उन्हीं के इशारे पर ये सारे चीज़ों को लॉजिस्टिक सप्लाई किया। साथ साथ में जो अभियुक्त यहाँ से भागे हैं उनको गाड़ी पकड़वाने में या किसी जगह पर छुपाने में इनका मुख्य योगदान था और सारा कोऑर्डिनेट करना अपराधियों का बीच के कड़ी थे अशोक सम्राट और जो शूटर्स थे उनके बीच का कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। अपराधियों का भगाना, उनके किसी तरह का लॉजिस्टिक सप्लाई कराना, चिन्हित कराना, जगहों को दिखाना इनका मुख्य कार्य था। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।